Hello friends, I am Akash from ssclasses.in and welcome to this video. इस वीडियो में हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट सेकेंड है। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। द वीडियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है टैक्सोनॉमिकल एड्स। सबसे पहले हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जैसे टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन नोइंग बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज मतलब ये टैक्सोन की स्टडीज होती है। टैक्सोन मतलब क्या? टैक्सोन मतलब कैटेगरी, जैसे स्पीसी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये हो गए टैक्सोन। इन टैक्सोन्स की स्टडी वेरियस फील्ड्स में इंपॉर्टेंट होती है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। दिस स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इन टैक्सोन की स्टडीज करने के लिए हमें एक करेक्ट क्लासिफिकेशन करना पड़ता है और इसके साथ साथ ही ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन भी करना पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया है कि इन टैक्सोन की स्टडी करने के लिए हमें पहले तो इनका एक करेक्ट क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद हमें इनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और इसके लिए हमें एक लेबोरेटरी में इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। किसी भी प्लांट्स या एनिमल स्पीसीज की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें उस एक्चुअल स्पेसिमेंस का कलेक्शन करना पड़ता है और यही उसके टैक्सोनॉमिक स्टडीज का प्राइम सोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें किसी कॉकरोच की स्टडी करनी है, तो सबसे पहले हमें उस कॉकरोच की स्पेसिमेंस को कलेक्ट करना पड़ता है और सबसे पहले हम स्पेसिमेन को देखकर ही ये बता सकते हैं कि उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। उसके बाद हम उसके एनाटॉमी के बारे में जान सकते हैं। तो किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीसीज के बारे में हमें उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या उसके बारे में जानना है, तो सबसे प्राइम सोर्स होता है ये होता है कि उसके एक्चुअल स्पेसिमेन को कलेक्ट करना। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेंस। जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिमेंस पर स्टडी करते हैं, तब हमें उससे जो इंफॉर्मेशन गैदर्ड होती है, जैसे उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, तब हम ये इंफॉर्मेशन उसी स्पेसिमेन के साथ स्टोर करते हैं ताकि हमें कुछ अलग क्लासिफिकेशन करने में इसकी कुछ हेल्प हो सके। इन सम केसेस द स्पेसिमन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज। जब हम पर्टिकुलर स्पीसीज के स्पेसिमन की स्टडी करते हैं और ये इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर स्पेसिमन के साथ स्टोर करते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं और हम इस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर की स्टडीज के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimens. जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको स्टोर करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स और टेक्निक्स इस्टेब्लिश किए, जिससे कि पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में हमें उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सके और फिर फ्यूचर में हम उसका यूज किया जा सके। टैक्सोनॉमिक एड्स मीन्स एनीथिंग विच कैन बी यूज टू कैटेगराइज और क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इन टू पर्टिकुलर टैक्सोन और कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक एड्स मतलब हर वो चीज़ जिससे हम किसी टैक्सोन और कैटेगरी के बारे में स्टडी करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, टैक्सोनॉमिक एड्स मीन्स हर वो चीज़ जिससे हम किसी पर्टिकुलर टैक्सोन और कैटेगरी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इसके बारे में स्टडी करने के लिए जिन चीज़ों का यूज करते हैं उसको हम टैक्सोनॉमिक एड्स बोल सकते हैं। तो ये हो गया टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। अब हम कुछ फेमस टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, जैसे बोटैनिकल गार्डन्स, मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स, फ्लोरा की, जूलॉजिकल पार्ट्स, म्यूजियम, हर्बेरियम एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम देखेंगे हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन अ सीड्स। हर्बेरियम हमें प्लांट स्पेसिमेन के बारे में बताता है। इसमें प्लांट स्पेसिमेंस को ड्राइड, प्रेस्ड किया जाता है और उसके बाद किसी सीड्स पर प्रिजर्व किया जाता है। दीज सीड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जब हमने उस स्पेसिमन को एक सीड्स पर प्रिजर्व किया, उसके बाद ये सीड्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द्वारा अरेंज की जाती है।
These specimens, along with their description on herbarium sheets, become a storehouse or repository for future use. जब हम उस प्लांट स्पेसिमेन को किसी सीट्स पर प्रिजर्व करते हैं, तब ये सीट्स फ्यूचर की स्टडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और उसको हम फ्यूचर की स्टडीज़ के लिए एज अ रिपोजिट यूज करते हैं। द हर्बेरियम सीट्स अल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल एंड बोटैनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर नेम्स एक्सेट्रा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हर्बेरियम सीट्स होते हैं उसको लेबल किया जाता है और उस लेबलिंग से हमें उस स्पेसिमेन के बारे में कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, जैसे डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल एंड बोटैनिकल नेम्स। उस स्पेसिमेन को हमने कहाँ कलेक्ट किया, इंग्लिश लोकल एंड बोटैनिकल नेम्स। उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन का इंग्लिश लोकल और बोटैनिकल नेम्स उस हर्बेरियम सीट पर हमें प्रोवाइड होता है। फैमिली और कलेक्टर्स नेम्स, मतलब जिसने कलेक्ट किया उसका उस कलेक्टर्स का नेम और फैमिली के बारे में हमें उस पर्टिकुलर हर्बेरियम सीट पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें हर्बेरियम सीट पर फैमिली के बारे में पता चलता है, लेकिन अदर टैक्सॉन जैसे स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। हर्बेरिया अल्सो सर्व्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्बेरिया ए टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में एज अ क्विक रेफरल सिस्टम्स जैसा यूज करते हैं। अब हम देखेंगे बोटैनिकल गार्डन। दीज स्पेशलाइज गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। अभी हमने देखा हर्बेरियम एक प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करता है, लेकिन बोटैनिकल गार्डन ये लिविंग प्लांट्स रेफरेंस होता है। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटैनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। बोटैनिकल गार्डन में जो प्लांट स्पीसीज ग्रो की जाती है वो हम आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन पर्पज के लिए ग्रो करते हैं, और जो इस पर लेबलिंग की जाती है वो लेबलिंग हमें उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज के बोटैनिकल और साइंटिफिक नेम के बारे में बताती है, और इसके साथ साथ वो हमें प्लांट स्पीसीज के फैमिली के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये कुछ एनसीईआरटी के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम जल्दी से देखते हैं। द फेमस बोटैनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। फेमस बोटैनिकल गार्डन है जो इंग्लैंड में क्यू में स्थित है। इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अब हम देखेंगे म्यूजियम्स के बारे में। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं वो जनरली स्कूल्स और कॉलेज में स्थित होते हैं। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। जो म्यूजियम्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल स्पीसीज के प्रिजर्व स्पेसिमेंस होते हैं, और इसका यूज हम स्टडी एंड रेफरेंस के लिए कर सकते हैं। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर्स और जार्स इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। जो प्लांट और एनिमल्स के स्पेसिमेंस होते हैं इसको हम कंटेनर्स और जार में प्रिजर्व कर सकते हैं, जिस जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट के स्पेसिमेन को हम इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसके लिए हम पहले उस इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद किलिंग और पिनिंग की जाते हैं। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। म्यूजियम्स ऑफ्टन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। जो लार्जर एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स और मैमल्स, इनके स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए म्यूजियम्स में लार्जर एनिमल्स जैसे बर्ड्स और मैमल्स के स्पेसिमेंस का भी प्रिजर्वेशन होता है, और इसके साथ साथ म्यूजियम्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के स्केलेटन का भी कलेक्शन देख सकते हैं। अब हम देखेंगे जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। जैसा कि हम यहाँ पर ब्यूटीफुल पिक्चर देख रहे हैं जूलॉजिकल पार्क्स का। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर एंड विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट। जूलॉजिकल पार्क्स मतलब ऐसे टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जिसमें वाइल्ड एनिमल्स उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स में रखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए वाइल्ड एनिमल्स का फॉरेस्ट ये नेचुरल हैबिटेट है, तो इसमें वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्टेड किए जाते हैं, लेकिन ये एनिमल्स ह्यूमन केयर और ऑब्जर्वेशन के अंडर होते हैं। और इस जूलॉजिकल पार्क से हम पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, उनकी फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। All animals in zoos are provided as far as possible the condition similar to their natural habitat.
जूलॉजिकल पार्क मतलब वाइल्ड एनिमल्स का ही नेचुरल हैबिटेट होता है, जैसे फॉरेस्ट। चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दिस पार्क कॉमनली कॉल्ड जूज। नाउ वी विल सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज की। की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। की एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड होता है, एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड है जिसमें हम प्लांट और एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और ये आइडेंटिफिकेशन किसी पर्टिकुलर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज दोनों पर बेस्ड होता है। कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। कपलेट मतलब ऐसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं जो कि ऑपोजिट इन फंक्शन होते हैं, और इन्हीं कपलेट पर बेस्ड कीज का फंक्शन होता है। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट एब्सेंस, दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। जैसा कि अभी हमने देखा, कपलेट पर बेस्ड होती है, मतलब कपलेट मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसमें से एक एक्सेप्टेंस के बारे में और दूसरा रिजेक्शन के बारे में बताता है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, और की में जो हर एक स्टेटमेंट दी जाती है उसको हम लीड बोलते हैं। सेपरेट टैक्सोनॉमिकल कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज। और जो कीज होते हैं वो हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोन जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली हर एक के लिए अलग अलग होते हैं, और हर एक के लिए उनके आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए इसका डिफरेंट वे से यूज किया जाता है। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। अब एनालिटिकल मतलब क्या? एनालिटिकल मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में केयरफुल स्टडी और एग्जामिनेशन करना, और उसके बाद उस चीज़ को समझकर एक्सप्लेन करना होता है, और कीज इस और कीज का नेचर ये जनरली एनालिटिकल होता है। अब हम कुछ डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स जैसे फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राम्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जो फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स होते हैं, ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड है जो कि हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। फ्लोरा हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। फोना टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ एनिमल प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसा कि हमने देखा, फ्लोरा हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, उसी प्रकार फोना हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ एरिया। मैनुअल्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड है कि हमें किसी एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्रॉप्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन से स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, एक इसमें इनमें से किसी भी टैक्सोन पर ये इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी के लगभग सभी पॉइंट कवर किए। आपने अभी तक हमारे चैनल साइंस के साथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, इफ़ यू रियली लाइक अवर वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो मिलते एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।